क्या हाल चाल है गाइस, आज एक और कीबोर्ड का रिव्यू लेके आए हैं। कीबोर्ड का रिव्यू बहुत टाइम से पेंडिंग था, लोग कह रहे थे मैकेनिकल कीबोर्ड का रिव्यू नहीं लेके आ रहे आप। मैंने कहा अच्छा ऐसे कैसे होगा, कह रहे कि एक चीपेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है। मैंने कहा कौन सा, कह रहे क्वांटम का, मैं मंगा लिया। तो अभी कुछ दिन पहले ना हमने कॉस्मिक बाइट की CBGK 16 फायरफ्लाई एक मैकेनिकल कीबोर्ड है उसका हमने रिव्यू किया था, जिसका प्राइस 1900 से लेके 2200 के बीच में रहता है। और इस वीडियो में मैंने बोला था कि वो चीपेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है उस टाइम पे, लेकिन उसमें मुझे कमेंट्स मिले कह रहे कि एक और है क्वांटम का। मैंने चेक किया, फिर मैंने ये ऑर्डर किया। ये 1700 का मैकेनिकल कीबोर्ड है, विच इज द चीपेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड अवेलेबल ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आज करेंगे इसको अनबॉक्स, करेंगे पूरा रिव्यू और बताएंगे आपको लेना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना भाई, अगर भाई से प्यार करते हो लाइक मार दो, अच्छी लग रही होगी वीडियो, चलो लाइक एंड में मार देना, सब्सक्राइब तो कर दो यार कुछ, तब ये प्यार बना रहेगा और आगे तक चल, मतलब मिलियन तक नहीं देखना क्या भाई को। तो ये रहा हमारा बॉक्स, यहाँ पे लिखा है क्वांटम, यहाँ पे लिखा है यूएसबी कीबोर्ड, ये हमारा रैपिड स्ट्राइक, ये लिखा है इसका मॉडल QHM9800। और हाँ ये RGB कीबोर्ड है, वैसे आपको बॉक्स पे दिख ही रहा होगा, फुल लाइट है, शाइट है, बनी है। यहाँ पे पीछे बहुत सारी डिटेल्स है जो हम कभी नहीं देखते, सीधा अनबॉक्स कर लेते हैं। ऐसे पैकिंग में आपको कीबोर्ड मिलता है और बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है। एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला कार्ड मिलता है हमारे को क्वांटम की तरफ से, जिसपे लिखा है अगर आप खुश हो तो सब जगह से आप ऑर्डर कर सकते हो प्रोडक्ट, सब जगह से आप ऑनलाइन मतलब इनको फॉलो कर लो फुल सोशल मीडिया पे। और यहाँ पे अगर कह रहा है अगर आप खुश नहीं हो तो पूछ रहे हैं कि बताओ किस चीज से खुश नहीं हो, हम उसको ठीक करेंगे। अच्छी बात है, एक तो उन्होंने पेपर बहुत बचाया, मतलब बहुत ज्यादा यूजर मैनुअल को ज्यादा पेपर वर्क नहीं दिया, और एक छोटा सा कार्ड है वो भी इनके फीडबैक के लिए, वेल डन क्वांटम। तो ये हमारा कीबोर्ड बहुत बेसिक सा कीबोर्ड है, कोई ऐसा जिसमें रेस्ट रेस्ट नहीं है। और अगर कीबोर्ड क्वालिटी के बारे में बताऊं तो ठीक है, अच्छी भी नहीं कहेंगे, बेकार भी नहीं कहेंगे, एवरेज एवरेज सी क्वालिटी है। इसका प्लास्टिक भी मतलब ठीक ठाक सा है, कोई इतना खास बढ़िया प्लास्टिक नहीं कह सकते। यहाँ पे क्वांटम की ब्रांडिंग है और ये आपका फुल साइज कीबोर्ड है, यानी कि नमपैड भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पे दो क्लिप्स हैं फॉर द कीबोर्ड एलिवेशन। और वायर क्वालिटी कुछ ऐसी खास नहीं है, रबर वायर है, ब्रेडेड वायर नहीं है, बट ठीक ठाक मोटी है, कोई जल्दी से कटेगी वगैरह नहीं, ठीक है काम चल जाएगा। तो ये तो होगी इसके अनबॉक्सिंग और इसके आउटर्स की बात, अब देते हैं थोड़ी कीबोर्ड की नॉलेज कि क्या क्या इसके अंदर आपको मिलता है। सबसे पहला ये तो चीपेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है, मतलब 1700 से लेके 1900 के बीच में इसका प्राइस चलता रहता है। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। तो इसका एक कंपेटिटर भी है रेड गियर शैडो एमुलेट, वो 1800 का कीबोर्ड है, आप उसके लिए भी जा सकते हो, उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अंदर आपको रूपी की भी देखने के लिए मिलती है, जो कि काफी सही चीज है। और इसके अंदर जो स्विचेज है ना वो B23 ब्लू स्विचेज है, और जो B23 स्विचेज है ना ये चीपेस्ट से चीपेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड में लगाए जाते हैं। मतलब अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर चलो तो ओटेमियो ब्लू स्विचेज मिल जाएंगे, उसके बाद चेरी एमएक्स और फिर और अदर ब्रांड्स, बट जो B23 है ये एकदम चीपेस्ट वाले हैं। तो इनकी साउंड मैं आपको सुनवा देता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मतलब कैसा साउंड करते हैं। और अभी हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे CBGK 16 के साथ, क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल है, वो लगभग 2200 के अंदर आता है, उसमें ऑटोमियो ब्लू स्विचेज है। एज पर कंपनी इसके अंदर नॉन फेडिंग की कैप्स हैं कि जो उसके ऊपर छपा हुआ है वो मिटेगा नहीं ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप कीबोर्ड भी यूज करते हो। और पर्सनली मैंने भी इसकी की चेक की थी तो मुझे नहीं लगता है जल्दी से मिटेगा, क्योंकि इसका थोड़ा टेक्सचर डिफरेंट लग रहा है, मिटने वाला होता ना तो अलग ही पता लग जाता है, चीप मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं ना तो उससे पता लगता है कि मिटने वाले हैं, बट ये नहीं लग रहा। इसके अंदर 6 LED RGB कलर है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हर लाइन में एक डिफरेंट कलर है, पर की RGB नहीं है। पर की RGB वालों में क्या होता है कि पर की के अंदर हर कलर सेट कर सकते हो, बट इस कीबोर्ड में हर की के अंदर अलग अलग कलर नहीं है, हर लाइन में अलग अलग कलर है, कि टॉप पे अलग कलर है, फिर सेकंड लाइन पे अलग है, थर्ड पे अलग है, फोर्थ पे अलग, ऐसे करके मतलब नीचे तक अलग अलग कलर्स में पूरी लाइन जलती है। और इसके अंदर जो मोड्स हैं वो 12 कलर मोड्स हैं, जो आप अपने सामने देख सकते हो कि उसके कलर मोड्स चेंज कर सकते हो और कितने प्यारे प्यारे कलर इफेक्ट्स हैं। और कंपनी का मानना है कि स्पिल प्रूफ है, स्पिल प्रूफ मतलब अगर थोड़ा बहुत पानी गिर जाएगा तो बच जाएगा कीबोर्ड, ऐसा मतलब जल्दी से खराब नहीं होगा। और एक ड्रॉबैक जो यार मुझे लगा, इसके अंदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, और वो ना होने का रीजन भी ये है, एक तो इसके अंदर मैक्रो कीज नहीं है, मैक्रो कीज जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अभी हमने एक कीबोर्ड रिव्यू किया था ZDB Magnus, उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वो चेकआउट करना कि मैक्रो कीज का क्या सीन है, पर इस वीडियो के बाद अभी ये तो देख लो। तो एक तो इसके अंदर मैक्रो कीज नहीं है, ऊपर से इसके अंदर RGB पर की वाली नहीं है, तो कस्टमाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर में देते ही क्या, इसलिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है। आप बटन के थ्रू इसकी
आरजीबी चेंज कर सकते हो। लाइट की के थ्रू इसकी आरजीबी चेंज हो जाती है, अलग अलग मोड्स, अलग अलग कलर्स जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर इसको हम सीबीजी के 16 से कंपेयर करते हैं तो एक तो ड्रॉबैक इसमें कि फुल साइज कीबोर्ड नहीं है, और ये ड्रॉबैक भी नहीं कह सकते, गेमिंग कीबोर्ड में अलग अलग चॉइस होती है हर इंसान की, किसी को फुल साइज पसंद होता है तो किसी को 10 कीलेस पसंद होता है। और सीबीजी के 16 के साथ एक सीबीजी के 12 है शायद, जो भी मॉडल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो सेम यही कीबोर्ड है सीबीजी के 16 की तरह, बट वो फुल साइज वाला है, उसके अंदर नंपैड इंक्लूडेड है। और मेनली अगर बिल्ड क्वालिटी कंपेयर करते हैं ना दोनों कीबोर्ड की, सीबीजी के 16 और हमारा क्वांटम का जो रैबिट स्ट्राइक है, तो ऑब्वियसली कॉस्मिक बाइट वाले की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा मस्त लगी मेरे को, ज्यादा हैवी है और थोड़ा स्टडी सा फील होता है ये, जैसे कि प्राइस में भी चीप है तो वैसे भी चीप चीप सा फील होता है। अब मैं आपको इन दोनों की साउंड टेस्ट करवा देता हूं कि की स्ट्रोक पे कैसी साउंड आती है, तो उससे आपको फर्क पता चल जाएगा B23 ब्लू स्विचेस और Otemu ब्लू स्विचेस में कितना फर्क है। तो पर्सनली अगर मैं बताऊं ना, तो मेरे को क्वांटम वाले की ना की स्ट्रोक्स इतने पसंद आए नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना अच्छा नहीं है, मैंने इसमें गेम वगैरह खेल के देखे थे, वैलोरेंट वगैरह खेला था, तो काफी ठीक ठाक मेरे को परफॉर्मेंस मिली थी, काफी ठीक इसके की स्ट्रोक्स थे, गेमिंग में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और कंफर्टेबल भी है कीबोर्ड, ऐसा नहीं है, रिस्ट वगैरह भी ऐसा कुछ पेन नहीं करती, मतलब एर्गोनॉमिक्स अच्छे हैं इसके। बट ब्लू स्विचेस का काम क्या होता है ना, आपके कानों को एक बढ़िया सी क्लिकी फील देने वाला काम होता है, क्योंकि ब्लू स्विचेस सबसे ज्यादा लाउड होते हैं, उसके बाद आपके रेड आते हैं और शायद सबसे साइलेंट ब्राउन होते हैं। अब ब्लू स्विचेस वाले कीबोर्ड वही लोग खरीदते हैं कि थोड़ा सा हाँ भाई कुछ सुनने को मिले, पर इसके अंदर ना वो वाली क्लिकिनेस नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि हम ब्लू स्विचेस यूज कर रहे हैं। और कॉस्मिक वाइट के अंदर पर की आरजीबी है और साथ में सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है, तो जितना प्राइस आप वहां पे कर रहे हो 200-300 रुपए या ज्यादा 400 रुपए एक्स्ट्रा, तो वो वर्थ इट है और मजा भी आता है यूज करने में, मैं पसंद यूज करता हूं। बाकी ये भी मैं यूज करके देख चुका हूं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर बजट कम है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो या रेड गियर शैडो एमुलेट की तरफ भी जा सकते हो, वो भी अच्छा कीबोर्ड। तो गाइस ये तो था पूरा रिव्यू चीपेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड का, रिव्यू पसंद आया तो भाई लाइक मारो वीडियो को, अब तो लाइक मार दो तो पसंद आ गया होगा, और कुछ अगर नहीं पसंद आया, कुछ कोई भी सजेशन है तो कमेंट करके बताओ, प्यार से करना, कोई मतलब बेइज्जती मत करना, दिल से लगता है भाई, तो बताना मुझे कोई सजेशन हो तो हम उसको इंप्रूव करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना था, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अब कुछ आउटरो चेंज करते हैं, मुझे कुछ आइडिया दो आउटरो का, बाय।